मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस नेट की सीक्वेंस साड़ी से लहंगा बनाएंगे, कली वाला। अगर हम सर्कुलर में बनाएंगे तो ये सीक्वेंस वर्क ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको कलियों में बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें जो सीक्वेंस वाला पार्ट है इसके नीचे आधा इंच छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। ये ग्रीन बॉर्डर हटा देंगे, इसके लिए हमें आधा आधा इंच छोड़ना है रेड वाला पोर्शन और इसको कट कर लेना है। लहंगे को साड़ी पर कट करने से पहले मैं आपको पेपर पर बता देती हूँ। ये देखिए, हमारे लहंगे की जो फुल लंबाई है वो 40 इंच है, उसमें से 2 इंच हम बेल्ट का कटाएंगे, वो आएगा 38 इंच, और हम उसमें प्लस 1 करेंगे, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे आ जाएगा। ये देखिए, लंबाई हमारी 39 निकलेगी। और कलियों की चौड़ाई निकालने के लिए, कमर की चौड़ाई, हिप साइज़ हमारा 40 है, हम 16 कलियों का बना रहे हैं तो 16 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 आएगा, और उसमें हम प्लस 1 इंच कर देंगे, हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा इधर उधर के लिए। ये ऊपर वाला पार्ट 3.5 इंच और नीचे हमारी लंबाई 39 इंच रहेगी। अब ये देखिए, हमने साड़ी को ऐसे फोल्ड कर दिया है, ये हमारी 16 कलियाँ हैं, उस हिसाब से हमने इसको फोल्ड करके रख दिया है। पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे 39 इंच पर। यहाँ पर मैंने साड़ी को ऑल पिन से सिक्योर किया है जिससे कटिंग करने में आसानी होगी। लंबाई आप जितना नीचे फोल्ड करते हो उस हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पर अपने लंबाई के हिसाब से निशान लगा लें। देखिए, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पर इसका जो सेंटर है उस पर निशान लगा लें ऐसे करके, और जो हमारा ऊपर 3.5 इंच आया था उसका हाफ इधर और हाफ उधर करके निशान लगा दें। ये देखिए, मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें इसको नीचे तक मिलाना है, इंची टेप को ऐसे रखना है और चौक से निशान लगा लेना है दोनों तरफ। चौक से दोनों तरफ निशान लगा लें और इसको कट कर लेंगे। इन सबको कट करने के बाद हमारी कलियाँ 16 कली हमारे पास होंगी, हम इनको जोड़ लेंगे, स्टिच कर लेंगे। सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना है, सीक्वेंस मिलाते हुए स्टिच करना है। देखिए, मैंने इनको स्टिच कर लिया है, ये हमारा जोड़ आ गया है। अब हमें ऊपर की तरफ इसको जो हमारी कमर है फोर फोल्ड में बिछा लेना है, मोड़ लेना है फोर फोल्ड में, ये देखिए। और यहाँ पर जो हम अस्तर लगाएंगे टाफ्टा फैब्रिक का, इसको हमें ट्रायंगल में कर लेना है जैसे हम सर्कुलर स्कर्ट कट करते हैं। यहाँ पर रखना है, हमें कमर का निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ और लंबाई पे निशान लगा लेना है जैसे हम सर्कुलर स्कर्ट कट करते हैं। इसके नीचे हम एक कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे। हम 3 लेयर में है हमारा लहंगा। ये देखिए, मैंने लहंगा बनाकर तैयार कर दिया है। ऊपर वाली लेयर हमारे सीक्वेंस नेट की रहेगी। इसमें मैंने 1 इंच वाली केन पट्टी लगाई है, ये देखिए यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच छोड़ा था। उसके नीचे मैंने टाफ्टा फैब्रिक की लेयर लगाई है ये वाली, और उसके नीचे मैंने कॉटन की लेयर लगाई है। इसका पूरा वीडियो मैंने नहीं डाला है क्योंकि पहले भी मैं स्कर्ट की कटिंग का वीडियो डाल चुकी हूँ कि कैसे बनाई थी। अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको साड़ी रीयूज़ का ये आइडिया पसंद आया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।